तो भाई यहाँ सबसे पहले पकड़ा कि दीपक कलाल, इन्हीं में घूम रहा होगा कहीं सिकारा में। अरे पता नहीं कौन है, क्या है, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या भाई आपने क्या किया, क्या किया, क्या किया वहाँ पे। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हो सब लोग, आए आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को मेरा पिछला व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे जम्मू में जैसे आप लोगों को बताया, रात को यहीं स्टे किया। अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ में। वो भाई नहाने गया है और मैं भी रेडी हो गया, नहा लिया, यहाँ आकर नहा लिया क्योंकि घर थोड़ा जल्दी के चक्कर में नींद आया। मैं ऊपर पता नहाया जाए ना नहाया जाए, पानी भी क्या होता वहाँ नीचे धोया जाए तो पानी हो ना हो सारा पानी ऐसे जम गया हो सकता है कुछ भी। तो भाई इस वजह से मैं कि चल नहा लेते आज, तो नहा के निकल लिए भाई। ये रूम था अपना आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया, और बाकी सब अब जल्दी से रेडी होके चल रहे हैं। अब जल्दी से रेडी होके निकलेंगे हम। अब देखो फॉग हो रखी है बहुत ज़्यादा, यहाँ से आपको दिख रही होगी ना थोड़ी थोड़ी धुंध सी, देखो इतनी भी नहीं है मतलब है, यहाँ से शुरू हो चुकी है जम्मू से ना। 380 किलोमीटर रह गए भाई यहाँ से, अब निकलते हैं। चाय वाय पता ना है ना है इस होटल में, मैंने पूछा कि तौलिया वोलिया है, बोले नहीं है, मैं उसको कह रहा मेरी खुद की तौलिया है वो लिया है। तो फिर रात यहाँ खड़ी कर दी थी हमने गाड़ी अपनी, चाय के लिए रुके, अभी चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। होटल में ना थी चाय हमारे में, अब यहाँ रुके चाय लेते। चल चल दो चाय कर दो, चीनी सही मजा वाली, चाय पीते फिर चलते अब। तो भाई ये रास्ते में लैंडस्लाइड हुई है तो ये ठीक कर रहे हैं, अब इनको पत्थर वत्थर को हटा रहे हैं। आर्मी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ, मज़ा आ रहा है लेकिन। तो भाई गाड़ी अभी यहाँ रोकी है, यहाँ से रह गया है 200 किलोमीटर, खाएंगे कुछ अब फिर चलेंगे आगे। टनल को जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं ना, काफी लंबा है ये, और इसको क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे सांस गई और डर महसूस हो रहा है, पर है ना ऐसा कुछ, पर लग रहा है कि हाँ यार यहाँ ऑक्सीजन कैसा आ रहा होगा, ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने सारी चीज सिस्टम सारा। बस दिख तो रहा है बाहर कुछ अंधेरे से निकलते हुए, आगे चलो अब सांस में सांस आई है। चील है, कौवा है भैया, वो आगे से ना रॉन्ग साइड आ रहा था, दिखा रहा था भैया वो सामने से। आपने, हाँ जी आपने क्या किया, क्या किया, क्या किया वहाँ पे, कहाँ पे? अरे रॉन्ग साइड आ रहा था हमारे सामने। नहीं नहीं पिता ही नहीं, वो रॉन्ग साइड आ रहा था, वो रॉन्ग साइड आ रहा था, हमें पता नहीं था, इसलिए इसलिए ऐसे काट लिया। ये पता नहीं कौन है, क्या है भैया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या भाई हुआ, क्या है, भाई ये बाइक वाले खामखाम चेप हो रहे हैं। अभी सामने से गाड़ी आ रही थी तो हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया तो आके रोकने लगे, जबरदस्ती कर रहे भाई ऐसे ऐसे, तो गाड़ी बाइक आगे लगा ली। मैं चलो भाई देखी जाएगी, नंबर नंबर खींच लिया, फोटो वोटो खींच लिया गाड़ी का, मैं चल देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ रुके, खाएंगे आप कुछ है, मैगी ले लेते, मैगी मिलती है तो। ये क्या है भाई, ये वाली चाय के साथ देख सकते हैं। तो भाई ये है चाय के साथ, यहाँ मट्ठी की तरह है कुछ, और ब्रेड है, सूखी हुई ब्रेड है, इसको गरम करके, गरम करके, अरे वही हो गया ये बर्गर की तरह। ये भाई मैगी आ गई अपनी। तो हमने हमने तीसरा स्टॉप लिया है वहाँ से यहाँ तक का, अभी यहाँ से रह गया 70 किलोमीटर, तो 70 चलेंगे, अभी चाय पी लेते। मिलिट्री ने आए गाड़ी रुकवाई हुई थी, अब धीरे धीरे सारी खोल दी। आ गए हम पुलवामा के पास में, जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था उस वाले रोड पे चल रहे हैं। उरी का भी यहीं से रास्ता है भाई, रास्ते बड़े साफ है, मिलिट्री हर जगह है भाई अपनी सेफ्टी के लिए।
थैंक यू सर, धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई रास्ता बंद कर रखा था, इन्होंने हमारे लिए खोल दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छे यार। तो अब जाएंगे यहाँ से, बताया कि भाई थोड़ी दूर रह गया तो डल लेक जाके हम रूम लेंगे, स्टे करेंगे वहाँ, फिर घूमेंगे थोड़ा बहुत। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ डल लेक पे, ये सामने डल लेक के बोट हाउस है। पर यार मूड ना पूरा किरकिर होगा, हमने सोची जैसे बर्फ बर्फ मिलेगी जमी जमाई, ऐसा कुछ ना, यूं मोल गए बर्फ भी जमेगी हमें फरवरी तक, ठीक है, ऐसी सारा ऐसी पड़ा है भाई। तो भाई आपको दिखाऊं, ये है डल लेक, यहाँ कोई बर्फ नहीं है, इसके चक्कर में मैं यहाँ आया कि वह होगी, दिसंबर के लास्ट वीक में हम यहाँ आए, मैंने सोचा कि वह बर्फ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये है इनके बोट हाउस, यहाँ पे आके रुकने का जुगाड़, लेकिन अब चलेंगे यार यहाँ से ना, क्योंकि सोनमार्ग में ही हमें मिलेगा, यहाँ अच्छा रूम लेंगे, यहाँ वही टाइम वेस्ट होगा, तो सोनमार्ग में चलेंगे। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ माहौल है नहीं जो कह रहे कि भाई बर्फ पड़ी है डल लेक पे और जमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो इसमें था कि भाई जमेगी, आएगी, स्नोफॉल होगी, ऐसा हुआ नहीं, और ना ही स्नोफॉल हुई है और ना ही ये डल लेक जमी है जैसी सोची। लेकिन जब हम वहाँ से आएंगे वापसी में, हो सकता है हो, क्योंकि यहाँ की जो गाइडलाइन आई है, यहाँ की क्या है वेदर का जो आया है कि भाई एक दो दिन में स्नो होगी, तो पहले हम सोनमार्ग हो आते फिर यहाँ आएंगे वापसी, क्योंकि सोनमार्ग में बताते हैं कि बर्फ है। तो ये शिकारा राइड है इनकी, सामने डल लेक आपको दिख रही है, वो बोट हाउस जाएंगे। तो भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फिर, क्योंकि कश्मीर आ गए, कश्मीर में डल लेक आपको दिखाई दिया है, लाल चौक नहीं दिखाया, लाल चौक भी दिखाऊंगा। तो भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जमात।